जय जोहार छत्तीसगढ़। आप मन देखा था न्यूज 72 और मैं हूं सौरभ नायक। आज न्यूज 72 की टीम पहुंची है डुंडा रायपुर ग्रामीण में, जहां पर हरदिया साहू समाज के तत्वाधान में आदर्श विवाह संपन्न हो रहा है, जहां आज के समय में लाखों रुपए से ज्यादा विवाह में खर्चा हो जाते हैं। उसे देखते हुए हरदिया साहू समाज ने एक बहुत ही अच्छा संदेश समाज के सामने प्रस्तुत किया। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में विवाह संपन्न हो रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में जोड़े आज यहाँ पर मांगलिक कार्यक्रम के थ्रू बंधन में बंधेंगे। यहाँ पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी पहुंचे हैं, तो यहाँ का जो किस तरह का माहौल है हम आपको दिखाएंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए न्यूज 72 में। रोली से रोली लाल कलर के रोली हो ना, तो रोली से टीका करो, माथा में वर के माथा में टीका करो। एक तो आमा पट्टा का तुम कड़ा कर लो, एक आमा जो आधा आमा पट्टा वो बचे है केवल, फिर थोड़ा सा पीला चावल लेके और हाथ में दो, वर के हाथ में आधा आमा पट्टा ले और पीला चावल भी आके दो। इसी के साथ मैं सादर मंचा सिंह होने के लिए अतिथियों से निवेदन, आज की कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम सम्मानी श्री भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन अध्यक्षता करेंगे। माननीय श्री ताम्रध्वज साहू गृह मंत्री छत्तीसगढ़ शासन विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान होंगे। श्री माननीय श्री सत्यनारायण शर्मा जी पूर्व मंत्री व विधायक रायपुर ग्रामीण, माननीय श्री विकास उपाध्याय संसदीय सचिव व विधायक रायपुर पश्चिम, माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल जी पूर्व मंत्री व विधायक रायपुर दक्षिण, माननीय श्री त्रिलोकी साहू प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ हरदिया साहू समाज, माननीय श्री नंद कुमार साहू पूर्व विधायक रायपुर ग्रामीण, माननीय श्री पंकज शर्मा अध्यक्ष जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित रायपुर, माननीय श्री अजित कुमार साहू अध्यक्ष छत्तीसगढ़ हरदिया साहू समाज धमदरी परिक्षेत्र, माननीय श्री अवधराम साहू अध्यक्ष छत्तीसगढ़ हरदिया साहू समाज धमदा परिक्षेत्र, और माननीय श्री रघुवीर साहू साहू जी, माननीय श्री धर्मेंद्र साहू जी डॉक्टर बी आर साहू कन्या जी भाई ला सात बार कैसे, आदरणीय श्री गज्जू साहू, आदरणीय श्री नंद किशोर साहू, आदरणीय श्री मनोज साहू, आदरणीय श्री प्रमोद साहू, आदरणीय श्री नरसिंह साहू, आदरणीय श्री हितेंद्र साहू, आदरणीय श्री चौराम साहू, कन्हैया साहू एवं श्रीमती प्रेरणा साहू, ये साधन मंच पर आपके विराजमान होंगे। जो आदरणीय श्री टीकम साहू ये भी मंच पर साधन भी है विराजमान होंगे। अतिथियों के लिए मैं यही कहना चाहूंगा, स्वीकृत आमंत्रण हमने किया, स्वीकृत आमंत्रण हमने किया, रखा हमारा मान, कैसे करें कृतज्ञता स्वागत है श्रीमान, कैसे करें कृतज्ञता स्वागत है श्रीमान, पूरा जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। स्वागत श्रीमान आपका, स्वागत श्रीमान आपका चंद सुवासित फूल से, और धन्य हुआ ये मंच हमारा पड़ा चरणों के धूल से, धन्य हुआ ये मंच हमारा पड़ा चरणों के धूल से, आप आए हमारे विवाह मंडप में। मैं सर्वप्रथम स्वागत के लिए छत्तीसगढ़ हरदिया साहू समाज रायपुर परिक्षेत्र के अध्यक्ष आदरणीय श्री ढेरहराम साहू जी से निवेदन चाहूंगा, आज की कार्यक्रम की मुख्य अतिथि माननीय श्री भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। कन्या के भाई के द्वारा सात बार जो है आटा के लोहे गोपाल जी को वर से चारों के हाथ ला, वर वधु के हाथ ला। तत्पश्चात कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय श्री ताम्रध्वज साहू जी का भी भारी धागा से लपेटना है। अध्यक्ष महोदय श्री ढेरहराम साहू से निवेदन कि आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं विशिष्ट अतिथि के रूप में पानी कम से कम लग रही विराजमान माननीय श्री सत्यनारायण शर्मा, इनका भी पुष्प गुच्छ से स्वागत। आदरणीय श्री ढेरहराम साहू अध्यक्ष छत्तीसगढ़ हरदिया साहू समाज रायपुर परिक्षेत्र, आपसे निवेदन आज की कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि का भी सम्मान कुछ से स्वागत करें। सकल कुशल पात्र ब्रह्म पुत्र मंगलू एक दोना सफेद चावल भरवा काणी। क्या कहोगे सर, इतनी बड़ी संख्या में वर वधु का शादी हो रहा है हरदिया साहू समाज के द्वारा, क्या कहेंगे आप? ये जो शादी हो रहा है वो
बहुत अच्छा लगा थे शादी होते जो समाज में हुआ ना एक खुशी है जी की जो सब आए पूरा जो चौरासी गांव का हमारे समाज है उमगने सब सबो जना है ऐसे नहीं वाला बात सब जना है जिसे वो ठीक लगा थे जो आए सब जन और पूरा एक साथ सब सबके बरात में शामिल हुए हमें खुशी होती कि जो समाज में शादी हो तो वहाँ ये बहुत खुशी 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 का मौका है मन मन के। इसमें कहना क्या, ये तो इतना अच्छा उदाहरण है कि आप एक सामाजिक संदेश कि आदर्श सामूहिक विवाह सिर्फ नाम का नहीं है, ये हरदिया साहू समाज का ये आदर्श सामूहिक विवाह काम का विवाह है। हम लोग यहाँ आए हैं, ये समाज के सारे प्रमुख लोग, हर व्यक्ति एक दूसरे का कहीं ना कहीं रिश्तेदार है। आज यहाँ 100 के ऊपर जोड़ों का विवाह समारोह संपन्न हो रहा है और पूर्ण विधि विधान से हमारी जो संस्कृति है उसके हर चीज का पालन करते हुए एक बहुत अच्छा संदेश हरदिया साहू समाज बहुत सालों से अभी 4-5 सालों से कर रहा है। आज का ये डूडा का समारोह बहुत अच्छी तरह से और ये संदेश है कि कैसे हम अपनी संस्कृति को अपनी परंपरा को अपने रीति रिवाज को सहेजते हुए भी कैसे हम जो दिखावा और विवाह में जो दुरुपयोग होता है उससे बचते हुए एक बहुत अच्छा संदेश। और मैं तो हरदिया साहू समाज के युवक और युवतियों को जो इस विवाह बंधन में बंध रहे हैं और जो इस परंपरा का पालन कर रहे हैं मैं उन सबको बधाई दूंगा कि इस भौतिकवादी युग में भी वो अपने समाज के निर्देशों के तहत इस विवाह समारोह के हिसाब से परंपरा से थोड़ा बहुत थोड़ी दिक्कत भी है, भीड़ भाड़ है थोड़ी सी, इतने लोग आए हुए हैं समाज के लोग आए हुए हैं, लेकिन उसको सबको सहन करते हुए उस सबको आत्मसात करते हुए भी पूरा समाज के साथ चलते हुए विवाह समारोह में सब लोग भाग ले रहे हैं। बहुत बहुत बधाई, सभी पुण्य सूत्र में बंध रहे हैं। मैं हरदिया साहू समाज के वर वधु को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ।